स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फ्रॉम देमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरल अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रिफर टू एस स्टूडेंट वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर से उन ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं तो पहला है हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ सेकेंड ऑटोट्रॉप ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन तो ये आपका आंसर आपका क्या सही होगा बी हो जाएगा तो ये आपका जो ऑप्शन है स्टूडेंट ये आपका क्या सही होगा ऑटोट्रॉप्स ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीफ यानी फोटोसिंथेसिस में किसी एक के अब्सेंस होने से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी वो क्या है गार्ड सेल है बी क्लोरोफिल है सी वैकोल है डी स्पेस बिटवीन सेल तो स्टूडेंट आप देखें फोटोसिंथेसिस के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा क्या होगा क्लोरोफिल क्या लिखेंगे आपको क्लोरोफिल की नीड होगी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो ऑल ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड तो सभी प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो इसमें से कह रहा है फिर से अगेन पढ़ें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑल ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ठीक है तो आप देखें मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉफ तो ये आपका क्या है एनिमल क्या होते हैं सब हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये रॉन्ग हो गया कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड नहीं है जबकि रिक्वायर्ड है यहाँ नॉट है तो ये आपका ये भी नहीं हो सकता ऑक्सीजन इज लिबरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी आपका पहला और चौथा सेंटेंस क्या है करेक्ट है तो आप देखें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो तो इसमें से आपका पहला और आप देखें कौन सा पहला और चौथा आप किस में है आपका ए वाला ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है ए वाला आपको चुनना है ओके स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट पीचर प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं पीचर प्लांट्स जो होते हैं यहाँ देखें आप पीचर प्लांट्स जो होते हैं पीचर प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ उगते हैं जिनमें नाइट्रोजन की जहाँ कमी हो तो देखें पहला इज ए हेटरोट्रॉप हेटरोट्रॉप तो है ही पीचर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं क्लोरोफिल होता है लेकिन ग्रो इन सॉयल विच लैक इन नाइट्रोजन डज नॉट हैव क्लोरोफिल हैज ए डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स ये तो आपका नहीं है क्लोरोफिल इसमें होता है तो इसमें क्या होता है ऐसे सॉयल पकते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट द टर्म दैट इज यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स वह टर्म यूज फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईस्ट क्या है होता है आपका फंगस होता है मशरूम अब ब्रेक मोड ये तीनों क्या है फंगस है फंगस आप सब जानते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं होता सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ओन सेल्फ ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते ये तो डेट रिमेन ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे तो ऑटोट्रॉप्स हैं नहीं इंसेक्टिवोरस हैं नहीं सेफ्रोफाइटिक हैं हाँ ये सब क्या हैं सेफ्रोफाइटिक हैं क्या हैं सेफ्रोफाइटिक आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सेप्रोफाइटिक नेक्स्ट स्टूडेंट देखें सिक्स वाला आप देखें इसको आप सेप्रोफाइट्स कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ ए लीफ थ्रू ए मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग लीफ के निचले सतह पर ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं तो स्टूडेंट हम सभी जानते हैं जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं तो देखें आपका पहला ही ऑप्शन स्टोमेटा दिया हुआ है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टोमेटा हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, टू ऑर्गेनिज्म आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स व्हाइल द अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, सच एंड एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टर्म एस, जो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी लाइफ को पास करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट नहीं कहेंगे, पैरासाइट नहीं कहेंगे, आइटोट्रॉफिक कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सिम्बियोसिस को, इसके लिए साइंस में टर्म होता है सिम्बियोसिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप यहाँ, विच आर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा रॉ मटेरियल एयर में प्रेजेंस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तीनों नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के द्वारा लिया जाता है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेप्रोफाइट, आप देखें इसको, अब दिखेगा आपको क्लियर, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाई, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि डेड रिमेन ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं, एल्गी अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, तो ए आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आप देखें ऑप्शन में आपका आएगा, तो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाय किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, क्या होगा, फंगस द्वारा, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, सो फंगस इज नोन एज सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, और फंगस रिप्रेजेंट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लीव ए जॉब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीव ए जॉब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू, लीव्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, किसके द्वारा लेती हैं, तो आपने देखा लीफ के निचले सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इन डिजर प्लांट, ये तो स्टूडेंट ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, अब चैप्टर सेकेंड में हम आ जाते हैं, देखें इन डिजर प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें डिजर्ट प्लांट में क्या होते हैं, लीफ होती है नहीं होती, तो लीफ नहीं होती तो उसमें जो लीफ होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्पाइंस में कांटे जैसी संरचना में हो जाती है, तो किससे शोषण वो करते हैं लेते हैं, तो लीफ कैसे अपना वो करते हैं, तो आप देखें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, स्पाइंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पाइंस, क्योंकि लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, फ्लोरो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसमें होगा, और कुछ पार्ट्स में स्टेम से भी वो अपना भोजन बना लेते हैं, जो इसका स्टेम है तो मोस्टली स्पाइंस से ज़्यादा कम, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में आए इस तरह के क्वेश्चन तो आप स्टेम को रखिएगा, स्पाइंस में तो लीफ क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी, स्टेम से अपना भोजन ज़्यादा बनाएंगे, तो इसका आंसर स्पाइंस मत लिखिएगा स्टूडेंट, तो इसका एज मानिए कि डिजर्ट प्लांट में स्पाइंस लीफ जो होती है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें भी क्लोरोफिल होता है लेकिन न के बराबर, ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, लेकिन मोस्टली फोटोसिंथेसिस किससे होगा, इससे होगा, ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखें एक किसका रूपांतरण है, लीफ का रूपांतरण है, ये आप याद रखिएगा, ये लीफ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड मेड बाई प्लांट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड बनता है प्लांट में किस रूप में स्टोर होता है, तो स्टूडेंट इसको आप याद रखें, यह स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, किसके रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एब्जॉर्ब, जो क्लोरोफिल का रोल होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज लाइकेन इज, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लाइकेन में होता है वो कौन सा होता है, तो लाइकेन में लाइकेन क्या होते हैं, ये फंगस और एल्गी दो प्लांट के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कम्बिनेशन में मिलता है, फंगस क्या करता है इसको सॉयल से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी जो होता है इसमें क्लोरोफिल होता है और अपना भोजन एक स्वयं बना लेता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सिम्बियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following pair of teeth differ in structure but are similar in function? Which of the following pair of teeth, इसमें कौन सा teeth का pair जो है structure में differ होता है लेकिन function में क्या होता है, same होता है। तो आप देखें canines incisor के अलग अलग function हैं, तो function आपके molar और premolar के function क्या होते हैं, same होते हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है लेकिन इनके फंक्शन क्या हैं, सेम है, दोनों ग्राइंडिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, रीड केयरफुली द टर्म गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। तो रीड केयरफुली द टर्म गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का कॉम्बिनेशन है, डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, जो कि कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं करता यानी डाइजेशन का काम नहीं करता। ओसोफेगस में डाइजेशन होता है, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। रेक्टम में भी नहीं होता। तो बक्कल कैविटी में नहीं होता, ओसोफेगस में नहीं होता। ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं नहीं होता, और बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में होता है भाई, ये मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में यहाँ लार पाए जाते हैं ना, यहाँ होता है, तो ये बक्कल कैविटी में होता है। अब देखें बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बक्कल कैविटी इसमें भी ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए वाला होगा, इसमें हम भोजन का पाचन डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैलोड फूड मूव डाउन इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ, जो भोजन निकला जाता है वो कैसे नीचे हमारे उसके द्वारा होता है। तो इसमें आप देखें द फोर्स प्रोवाइडेड बाई मस्कुलर टंग के द्वारा फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं है। जो टंग होती है वो फूड को क्या करती है, लार को मिक्सिंग करने का काम करती है, तो इतना ही होगा। द फ्लो ऑफ वाटर टेक विद द फूड, भोजन करते समय हम वाटर पीते नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं। ग्रेविटेशनल पुल होता ही नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ए वाला सही होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर देखें ए लास्ट वाला जो है आपका ए वाला सही होगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है। और हमारे स्टमक में SCL नाम का एसिड प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मारता है जो भोजन के साथ आते हैं। देखें इसमें कौन सा ऑप्शन है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट में इंटर एलॉन्ग विद द फूड। तो ये हमारा काम यही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, स्लाइस कर लें, आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंडाइजेशन इंटेस्टाइन हेल्प टू, जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें वीली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वीली बोलते हैं, वो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। तो एक क्या करता है, फूड को एजॉर्ब करने का काम करता है। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है, तो डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस, नो, मेक द फूड सोल्यूबल, एजॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, द फॉल्स फीड ऑफ स्यूडो अमीबा आर यूज फॉर, जो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक सेल का बना होता है, तो एक इसका फॉल्स फीड यूज फॉर किस लिए यूज होता है, तो ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है यानी चलने के लिए काम आता है और भोजन को पकड़ने का काम करता है। तो इसमें आप देखें कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, तो हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, द प्रोसेस दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कौन से प्रोसेस, द प्रोसेस दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, क्या है, नॉट ए पार्ट ऑफ, इसको नॉट को ध्यान रखें, नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, तो कौन सा, इजेशन है, इजेशन है भोजन को ग्रहण करना, डाइजेशन पचाना, रिप्रोडक्शन ये डाइजेशन का प्रोसेस पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
द टीथ दैट हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड चीविंग। पीसने को चबाने का काम कौन करता है? हमारा प्रीमोलर करते हैं और मोलर करते हैं। तो आप हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्गन यूज बाई अमीबा टू कैप्चर द फूड इज। अभी आपने ऊपर देखा वह आर्गन कौन सा है अमीबा का जो भोजन को पकड़ने का काम करता है और चलने का भी काम करता है, वो हमारा क्या था? स्यूडोपोडिया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। ए बॉइल इज प्रोड्यूस इन, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो बाइल स्टूडेंट हमारा लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लीवर प्रोड्यूस होता है और गाल पैडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन इज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, तो इसमें जो सेलुलोज है ह्यूमन में इसका डाइजेशन नहीं होता। पहले एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम का एक आर्गन है पहले था, तो सेलुलोज का डाइजेशन होता था। तो सेलुलोज का डाइजेशन सिर्फ जो एनिमल्स हैं जैसे गाय और बफेलो वगैरह में होता है, ह्यूमन में इसका डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन, द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड आर किल्ड बाई द। इसको अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क, इनमें से कौन सिल्क का टाइप नहीं है। तो आप देखें मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूंगा सिल्क, मोथ सिल्क। तो आप देखें इस जो सिल्क आपका मलबरी सिल्क है, टसार सिल्क है, मोथ सिल्क है, आप देखे हैं, लेकिन ये मूंगा सिल्क आपका कोई सिल्क नहीं है। तो मूंगा सिल्क आपका सिल्क नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मूंगा सिल्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वांटेड टू बाई ए गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन विदाउट किलिंग द एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाई। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, उलेन सावेल होगा, सिल्क कार्प होगा, एनिमल फर कैप होगा, लेदर जैकेट। लेदर जैकेट क्या होगा? एनिमल को मार करके बनाया जाएगा। सिल्क क्या होगा? रेशम के कीटे को मार के बनाया जाएगा। एनिमल फर कर्व ये भी एनिमल्स को होता है, मार के होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखें, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन, क्या है? कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे नहीं मिलेगा वूल फाइबर? तो गोट से मिलेगा, गोट से मिलेगा, लामा से मिलता है, एल्पा से मिलता है, मूथ से हमको सिल्क मिलता है, वो नहीं मिलता। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, सिल्क सेक्रेट फाइबर मेड ऑफ, जो सिल्क जो सेक्रेशन होता है वो फाइबर किसका बना होता है? तो आप देखें तो इसका ऑप्शन किससे मिलकर, जो सिल्क फाइबर होता है किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, वो किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसमें आप लिखेंगे क्या होगा? प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पश्मीना शावल आर उवेन फ्रॉम द फर ऑफ शीप, जो पश्मीना ऊन है वो किसके फर से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा सी ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, कश्मीरी गोट। किससे होगा? कश्मीरी गोट। द प्रोसेस ऑफ शीयरिंग इंक्लूड्स, जो शीयरिंग की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहते हैं? शीयरिंग की प्रोसेस किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? तो आपका जो बी ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ फ्लीस अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी वाला है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिल्क फाइबर आर फॉर्मेड ऑफ, सिल्क फाइबर किससे मिलकर बना होता है? जो सिल्क फाइबर किससे मिलकर बना होता है, अभी आपने देखा, इससे पहले भी पढ़ा था, सिल्क फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन है, दोबारा हो गया। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो सिल्क थ्रेड किससे मिलकर किससे ऑब्टेन होता है? आप सभी जानते हो सिल्क जो होता है कोकून से मिलता है, कोकून को जो स्टेज होती है उसी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड, सिल्क मोथ
के पालने को हम क्या बोलते हैं, तो सिल्कवार्म को जो पाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, आप देखें द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है आप सब जानते हो, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट द डेली टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई ए, तो क्लिनिकल थर्मामीटर नो, लेबोरेटरी थर्मामीटर नो, डिजिटल थर्मामीटर नो। तो आपका ऑप्शन जो सी वाला है इस करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। आगे देखें इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट आपने पढ़ा है, एक पॉइंट को हीट करने पर उसके पार्टिकल धीरे धीरे एक सिरा से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडक्शन। तो हीट सॉलिड में किसके द्वारा हीट का ट्रांसफर होगा, कंडक्शन के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डार्क कलर क्लॉथ आर प्रेफर इन विंटर बिकॉज दे, डार्क कलर कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एजॉर्ब करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा, एजॉर्ब मोर हीट। क्या होगा, एजॉर्ब मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें स्टूडेंट लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर कास्ट ड्यू टू, जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हैं किसके कारण काज होते हैं, तो ये किसके कारण वो काज होते हैं, ऑप्शन आपका पहला होगा कन्वेक्शन ऑफ हीट, किसके द्वारा, कन्वेक्शन ऑफ हीट के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू, वाटर में एसिड को मिलाने में क्या होना चाहिए। स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम एसिड बना रहे हैं तो हमको एसिड वाटर में डालना है, वाटर एसिड को हमेशा वाटर में डाला जाता है, एसिड में वाटर नहीं डाला जाता। तो ऐड वाटर टू एसिड इन, पहला ऑप्शन देखें ऐड वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में ऐड करना, नो, ऐड एसिड टू वाटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिड को हमको किस में ऐड करना चाहिए, ऐड एसिड टू वाटर। एसिड को हमको कहाँ ऐड करना है, वाटर में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आलविच, जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो होता है हमेशा क्या मिलता है, उसमें साल्ट और वाटर बनता है, क्या बनता है, साल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप इसको गेस करिए, तो बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा आपका। आप देखें हमेशा साल्ट और वाटर बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व, कौन सा कलर इसमें ऑब्जर्व होगा। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट याद रखें येलो इन एसिड रेड इन बेस, अब बेस में अगर कोई कपड़े पर कुछ हो गया हो, आप देखें साबुन से धोने पर उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आप इसे याद रखें, कोई भी चीज़ होता है आप देखें कुछ अगर निर्मा उस पर हल्दी का दाग लगा हुआ है किसी कपड़े पे और उसको आप साबुन से धोते हैं, साबुन क्या है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, उसको धोते ही उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो बेस में हमेशा रेड कलर देगा और एसिड में क्या देगा, येलो कलर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फेनाफ्थिलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टली, एसिड और बेस में इसका कलर कैसा होगा। आप देखें जो फेनाफ्थिलीन होगा आप उसका कलर क्या होगा, आप देखें डी वाले ऑप्शन में यहाँ टिक किया हुआ है पहले से, तो आप देखें तो समझ सकते हैं, ये आप देखें यहाँ एक कलर एंड पिंक, इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस एंड पिंक हो जाएगा।
एसिड में कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस रहेगा, और बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन इट, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। अगर सॉइल में बेसिक नेचर का है तो उसमें हमको क्या ऐड करना है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, क्विक लाइम ऐड करना है, स्लेक लाइम ऐड करना है, कैलामाइन सॉल्यूशन ऐड करना है। तो हमको क्या ऐड करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना चाहिए। क्या ऐड करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो एसिड का सेक्रेशन करते हैं। किसका सेक्रेशन करते हैं, एसिड को, एसिड का स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटमस ए नेचुरल डाई इस एन स्ट्रैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिड जो लिटमस जो होता है एक आपका डाइस है, किससे ऑप्टेन होता है, तो ये ऑप्टेन होता है हमारा लाइकेन से। किससे मिलकर ऑप्टेन होता है, लाइकेन से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लाइकेन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो ये फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज है, ये क्या होता है, रिवर्स। स्टूडेंट ये क्या होता है, रिवर्स होगा, रिवर्स नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी आंसर। इसका सही ऑप्शन आप क्या चुनेंगे, डी चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, इनमें से कौन सा वो है जो पार्ट है जो एसिड को कंटेन किया हुआ है। ग्रेप है, लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर में एसिड है, नहीं होता। विनेगर और सोप में, नहीं होता। कर्ड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, नहीं होता। कर्ड और विनेगर, तो आपका सही सेट क्या होगा, डी होगा। कर्ड में भी होता है और सिरके में भी एसिड हमारा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ऑन एडिंग ए फेनोप्थिलीन इंडिकेटर टू ए कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर फेनोप्थिलीन सॉल्यूशंस को ऐड किया जा रहा है तो कैसा कलर देगा, आप इसको देखें। तो आप देखें हैं इसका क्या होगा, आइदर एसिड आर न्यूट्रल, एक कैसा होगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, आप इसको टिक कर दें, आइदर एसिड आर न्यूट्रल, या एसिड होगा या न्यूट्रल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें कौन एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड और बेस दोनों का इंडिकेट करता है। विनेगर है, लाइम वाटर है, बेकिंग सोडा है, तो नहीं, टर्मरिक होता है एसिड बेस इंडिकेटर, अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, नेक्स्ट द एसिड फाउंड इन स्पिनाच इज, स्पिनाच में कौन सा एसिड पाया जाता है, पता है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो कौन सा एसिड पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा एसिड पाया जाएगा, ऑक्जेलिक। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें, कौन सा एसिड पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन इनटू डार्क पिंक, ए सॉल्यूशन टर्न चाइना रोज सॉल्यूशंस इनटू डार्क पिंक। डार्क पिंक किसमें होगा स्टूडेंट, ये आपका इसमें एसिड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एसिड में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारी क्या होती है, हीट क्या होती है, हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी, जिसमें से हीट निकलती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो, ऐसा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एंटासिड इज द इन द बॉडी, दो एंटासिड, एंटासिड एसिड क्या होता है, जब हमारे बॉडी में
मैक्सिमम वो हमारे बॉडी के यानी स्टमक में ज़्यादा एसिड का सेक्रेशन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक सब्सटेंसेस मिल्क और मैग्नीशिया की ज़रूरत होती है, वो वेस्ट होता है, वो क्या करता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखें अगला क्वेश्चन, एस्टिक सॉइल कैन बी मेड फिट फॉर कल्टिवेशन बाई ट्रीटिंग इट विथ, किसके द्वारा उसको ट्रीट किया जाए, जो एस्टिक सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत नहीं है, तो स्लेक लाइम और क्विक लाइम, तो स्लेक लाइम और क्विक लाइम में किसको आप यूज करेंगे जब सॉइल ज़्यादा एस्टिक हो जाएगी, तो एस्टिक सॉइल के लिए हम स्लेक लाइम और क्विक लाइम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्लेक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं बेसिक होते हैं। तो यूज आप स्लेक लाइम और क्विक लाइम न्यूट्रलाइज द एस्टिक नेचर ऑफ सॉइल, तो सॉइल के एस्टिक नेचर को क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों ये हमारा क्या होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप देखें विच ऑफ द थोड़ा छोटा कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज हो गया, कंब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन ए भी केमिकल चेंज हो गया, नया सब्सटेंसेस बन गया, बर्निंग ऑफ कैंडल बर्न हो रहा है तो ये भी आपका नया सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हाँ मेल्टिंग ऑफ वैक्स से कोई नया सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इसमें कौन सा केमिकल चेंज है, जिसे नए सब्सटेंसेस बने वही केमिकल चेंज होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसे कोई नया सब्सटेंसेस बनेगा, नो, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल को कुक कर देंगे उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, वेजिटेबल करी बन जाएगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, जो केमिकल चेंज इन्वॉल्व किस में होता है, चेंज इन कलर ओनली, चेंज इन टेम्परेचर ओनली, इवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली, एनी आर ऑफ द एबव, तो चेंज इन टेम्परेचर ओनली, तो चेंज इन कलर ओनली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो आप इसका आंसर स्टूडेंट ये सारी चीज़ों में क्या होता है, जब केमिकल चेंज होता है कलर भी चेंज हो जाता है और टेम्परेचर भी कम ज़्यादा कम होता है, कभी कभी गैस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है हीट प्रोड्यूस होती है गैस इन्वॉल्व होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका डी वाला। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखें यहाँ क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ था, इसको नहीं क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो पहला इट स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, करेक्ट है। अब देखें इट चेंजेस कलर, इसका कलर चेंज होता है नहीं, इसका कलर क्या होता है मिल्क का भी वाइट कलर होगा, इसका भी वाइट कलर होगा, कलर में कोई चेंजेस नहीं होता। इट चेंज टेस्ट, इसका टेस्ट क्या होता है चेंज हो जाता है, हाँ टेस्ट चेंज हो जाता है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इसका चेंज क्या होता है मिल्क और कर्ड से हम दोबारा मिल्क ऑप्टेन नहीं कर पाते, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो स्टूडेंट आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो, तो हमारा एक ऑप्शन नहीं है, तीन ऑप्शन क्या है करेक्ट हैं, तो हमारा देखिए 1, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं सही हैं, तो ये हमारा इसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट देखें, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट, विच ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट लॉन्ग स्टेबिलिटी, तो इट इज़ मोर देन 6 मीटर हाई, ये तो नहीं है, इट वेट अबाउट 6000 किलोमीटर, ये भी नहीं है, इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर एगो, ये भी नहीं फैक्ट है, इट हैज़ नॉट रस्टेड आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के बाद भी इसमें रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, इट हैज़ नॉट रस्टेड आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गाल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रोसेस के द्वारा रस्टिंग नहीं होती, तो गाल्वेनाइजेशन के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं, तो हम किसकी परत चढ़ाते हैं, किस पर चढ़ाते हैं आयरन पर, तो
गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको रस्ट करने से बचाता है, तो आयरन पर ही जंग लगता है, तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं। ओके स्टूडेंट न्यू, अब देखें ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज के दौरान क्या होता है, एनर्जी इवाल्व होती है और लेस होती है, न्यू सब्सटेंसेस इस फॉर्मेट नहीं बनते, कलर शेप एंड स्टेट आर चेंज, इसका कलर शेप और स्टेट आर चेंज, तो ये क्या होता है, चेंज होता है, लाइट इज प्रोड्यूस, लाइट भी प्रोड्यूस नहीं होती, तो कलर चेंज हो जाता है, शेप और स्टेज ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ए सी होगा करेक्ट आंसर। अब हम इसको क्या टिक करेंगे, करेक्ट आंसर में इसको हम सी रखेंगे, स्टूडेंट क्या रखेंगे, तो कलर शेप एंड स्टेट आर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इज, केमिकल चेंज का कौन सा एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, डाइजेशन ऑफ फूड, कटिंग ए वुड लॉग। तो आप देखें डाइजेशन जब होगा तो डाइजेशन से नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंसेस होते हैं, जो पुराने सब्सटेंसेस होते हैं उसको डाइजेस्ट करके नए फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। आगे देखें स्टूडेंट ए केमिकल चेंजेस ए कंपेंड बाय, केमिकल चेंज कैसे होता है, केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, हीट गैस और साउंड सब तीनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा आप देखें एन एलॉय एमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से एलॉय कौन है, एलॉय क्या होता है, जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो आप देखें कॉपर क्या है, एलिमेंट है, आयरन भी एलिमेंट है, निकल भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, जो हमारा स्टील है ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है, दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन, तो आपका क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस किस में नहीं होगी, अप्लाई होगी, तो नॉट एप्लीकेबल इन, तो ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम से इसमें हो जाएगा, ऑब्टेनिंग शुगर क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये भी सही है, ऑब्टेन कर लेंगे अप्लाई हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ स्नोफ्लेक्स को भी अप्लाई, क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके, रस्टिंग ऑफ आयरन के क्रिस्टल नहीं बनते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप देखें द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्ले डेली इन द वेदर बुलेटिन रिफर टू द, तो रिफ़र टू द आप देखें हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, तो जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का सबसे हाईएस्ट कौन सा टेम्परेचर है और नाइट का सबसे कम कौन सा टेम्परेचर होता है, इसको डिनोट किया जाता है, तो हमारा एक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, हमारा पहला ऑप्शन ए सही होगा, ये हाईएस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ द गिवन डिफिनेशन विच इज़ नॉट एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, यहाँ क्या दिया है, आउट ऑफ गिवन डिफिनेशन विच इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, तो आप देखें चेंज इन वेदर कंडीशन इन ए ईयर, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मेनी ईयर्स, चेंज इन वेदर पैटर्न इन ए फ्यू ईयर, वेदर कंडीशन ड्यूरिंग समर, तो इसमें क्या होगा, बी वाला ऑप्शन देखें, एवरेज जो जहाँ एवरेज है, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मेनी ईयर्स, कई सालों का जो एवरेज है वहाँ का वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है, जहाँ स्टूडेंट एवरेज लगे तो वो जान लीजिए कि वेदर की और क्लाइमेट की डिफिनेशन सही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखें विच आर द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब द डिजर्ट क्लाइमेट, इनमें से कौन सा डिजर्ट क्लाइमेट को डिफाइन करता है, डिजर्ट क्लाइमेट में आप देखें स्टूडेंट जो सी ऑप्शन है हॉट, और डिजर्ट क्लाइमेट क्या होता है, हॉट होता है और ड्राई होता है, ये ऑप्शन आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें पहली वेंट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर सी सा डेंस वेजिटेशन ऑफ ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब ए वैरायटी ऑफ एनिमल लाइक मंकी बर्ड एलिफेंट स्नेक फ्रॉग एक्सेट्रा, द मंकी लाइकली लोकेशन ऑफ दिस सेंचुरी इज इन द, तो आप देखें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ट्रॉपिकल
रीजन होगा। इसका आंसर आप स्टूडेंट आप क्या टिक करेंगे, टॉपिकल रीजन टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, टॉपिकल रीजन करेंगे। अगला देखें, गिवन बिलो आर सम एडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल। तो एनिमल के कुछ एडेप्टिव फीचर्स हैं, तो आप देखें लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, सही है। लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ, तो इसमें आप देखें ये भी सही है। स्लिपरी बॉडी, ये भी सही है। थिक वाइट फर, थिक वाइट फर ये एक का एडेप्टिव फीचर नहीं, आपका एक करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका। आगे देखें, अभी ये देखें, सॉरी स्टूडेंट, इसको आप देखें करेक्ट आंसर आपका ए टिक करेंगे। तो एक सब आपके सही हैं, वन है, टू है, फोर्थ है, चारों हैं, वन टू फोर्थ हैं। तो आपका जो थर्ड वाला है स्लिपरी बॉडी, स्लिपरी बॉडी मतलब स्लिपरी बॉडी से ये एडेप्टिव फीचर नहीं है आपका, जो एडेप्टिव फीचर्स स्लिपरी बॉडी जो होता है ये एडेप्टिव फीचर्स नहीं है। बाकी ए, ए और ए आपके तीनों क्या हैं, कॉमन है, जो एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। पोलर बियर जो होता है ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, हेल्प करती हैं उसको उस इन्वायरमेंट में, पोलर रीजन में रहने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन। क्या है इनकरेक्ट, हमको चूज़ करना है। कैसा स्टूडेंट चूज़ करना है, इनकरेक्ट चूज़ करना है। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट को ध्यान दें। द हडल टुगेदर सही है, दे कैन नॉट स्विम स्विम नहीं करती, दे हैव वेब फीट, दे हैव स्ट्रीम बॉडी, भाई स्ट्रीम लाइन बॉडी हैं तो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन बॉडी हैं। इसमें आप देखें स्ट्रीम लाइन बॉडी, अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है, तैरने में हेल्प कर रहा है उस पर से, और ऊपर लिख दे रहा है कैन नॉट स्विम, जब स्ट्रीम लाइन बॉडी है तो तैरने में हेल्प कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये तैर नहीं सकते, तो ये तैर सकते हैं भाई, ये तैर सकते हैं। तो हमारा इनकरेक्ट है, दे कैन नॉट, इनकरेक्ट ये है। बाकी ये ग्रुप में रहते हैं, इनमें वेट फिट होता है और दे हैव स्ट्रीम बॉडी, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज द, जो कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा रीजन कौन सा है, जो पोलर रीजन है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ही सबसे ज़्यादा कोल्ड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ए मेट्रोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हू स्टडीज, वह व्यक्ति जो मौसम का अध्ययन करता है, वेदर का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो हूँ स्टडीज, जो मेट्रोलॉजिस्ट होता है वह वेदर का अध्ययन करता है। किसका, किसकी स्टडी करता है, वेदर की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है, वेदर की स्टडी करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेदर, वेदर को टिक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज डिस्क्राइब बाई, हॉट एंड वेट क्लाइमेट को हम क्या, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हॉट और जो होता है, तो हाई टेम्परेचर विथ हेवी रेन्स, हाई टेम्परेचर होगा और हेवी रेन होगी। द थिक लेयर ऑफ फर एंड फैट हेल्प ए पोलर बियर टू, क्या करने में, वार्म करने में इसे हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट एंड थिक स्किन आर एडेप्टिव फीचर ऑफ, जो शार्प आई साइट होगी, सेंसिटिव हियरिंग होगी और थिक स्किन होगी, तो किस रीजन के रहने के लिए मोस्ट एडेप्टेबल होगा। तो जो आप देखें रेन फॉरेस्ट एनिमल्स जो होते हैं उनकी शार्प आई साइट होगी, सेंसिटिव हियरिंग होगी और थिक स्किन, स्किन शार्प आई, हियरिंग और शार्प आई साइट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन हमारा रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन आप हमारा क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट। तो हाँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसको टिक कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट एनिमल। रेन फॉरेस्ट एनिमल की जो हियरिंग की क्षमता, जैसे लायन वगैरह है, एलिफेंट वगैरह, हियरिंग क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और देखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, दूर से ही अपने शिकारी को देख लेते हैं और शिकार को भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
the features that help a tree for in climbing a tree and holding on to a branch each. तो कौन सा है फीचर है? स्टिकी पैड्स. तो आपका आंसर ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देखें द माइग्रेटरी एनिमल्स एमंग द फॉलोइंग इज. माइग्रेटरी एनिमल्स कौन है? जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से आते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, एयर मूव फ्रॉम, एयर कहाँ से मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर. जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ मूव करेगी. तो आपका कहाँ है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. आपका आंसर ये सही होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव ए बाइसाइकिल अगेंस्ट वाइंड डायरेक्शन ड्यू टू. वाइंड डायरेक्शन में हमको बाइसाइकिल चलाने में दिक्कत क्यों होती है? किसके कारण होती है? एयर प्रेशर के कारण होती है. देखें एन एनीमोमीटर मेजर, एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? स्पीड ऑफ वाइंड को मेजर करता है. ठीक है, आगे है आपका, वाइंड आर कास्ट ड्यू टू डिफरेंस इन. वाइंड किसके डिफरेंस के कारण होता है? तो किसके का डिफरेंस के कारण होता है? एयर टेम्परेचर. एयर का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो वाइंड क्या होगी? कॉज होगी. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाइंड आर कॉज टू द डिफरेंस. डिफरेंस किसके कारण होगा? इसके डिफरेंस के कारण आपका वाइंड का कॉज होगा. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थंडर स्टॉर्म यूजुअली अकर इन. जो थंडर स्टॉर्म होते हैं कहाँ काज करते हैं? थंडर स्टॉर्म आप देखें, थंडर स्टॉर्म स्टूडेंट, थंडर स्टॉर्म यूजुअली अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया. तो आपका आंसर यही सही है, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में थंडर स्टॉर्म ज़्यादा काज करते हैं. ठीक, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द हैबिटेट. हैबिटेट वेयर द सॉइल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जिसमें प्लेंटी ऑफ वाटर आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप देखें एक किस में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा स्टूडेंट? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन होगा फॉरेस्ट का. किसका सही होगा? फॉरेस्ट का सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज इन द. इसमें मैक्सिमम किस में एब्जॉर्प्शन होगा? ए है, ए होरिजोन में होगा. तो ए होरिजोन कहाँ है हमारा? आपका सी वाला ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल कंजर्वेशन मेजर आर मेनली एम एट द प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्या प्रोटेक्ट करता है? टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करता है. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिफर टू द सॉइल. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको आपको रिफर कर रहा है सॉइल को. तो वेदरिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. परकोलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन सैंडी सॉइल. लोमी सॉइल कंटेन ओनली सैंड एंड क्ले. टॉप सॉइल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डी, वन और टू. वन और टू जो है सही है. वेदरिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. परकोलेशन ऑफ वाटर इज फास्टर इन एनी सैंडी सॉइल. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी वाला आप इसको करेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखें, विदरिंग ऑफ रॉक काज. रॉक की जो विदरिंग होती है किसके कारण होती है? तो विदरिंग से क्या फॉर्मेट होता है, क्या काज होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होगा? सॉइल का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? सॉइल का फॉर्मेशन होगा. विदरिंग ऑफ रॉक काज सॉइल फॉर्मेशन. किसका फॉर्मेशन होगा? सॉइल का फॉर्मेशन होगा. डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज. जो किसको करेंगे? ह्यूमस को इंक्रीज करेंगे. द बेस्ट सॉइल टू ग्रो पैडी इज. कैसी सॉइल होगी, कैसी सॉइल में वो ज़्यादा ग्रो करेगा?
आप देखें क्ले सॉयल में हमारा जो होता है पैडी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी सॉयल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग। जो सैंडी सॉयल होगी किसके लिए, किसके ग्रो के लिए बेस्ट होगा, तो आप देखें मिलेट्स के लिए बेस्ट होगा। स्टेप फार्मिंग एफॉरेस्टेशन प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग आर सम मेजर टू रिड्यूस, किसको रिड्यूस करेगा, सॉयल इरोशन को रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करेगा, सॉयल इरोशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक क्वेश्चन और है। ओके स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन हैं। तो आज आपका ये 9 चैप्टर्स जितने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हो गए। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।